मारवाड़ बिजनेस स्कूल राष्ट्रीय सेवा योजना के तत्वावधान में चल रहे सप्त दिवसीय विशेष शिविर के छठवें दिन बुधवार को स्वयंसेवकों ने वार्ड संख्या 51 इस्माइलपुर के मलिन बस्ती में नुक्कड़ नाटक करके विभिन्न समस्याओं और जागरूकता अभियान के तहत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नशा मुक्ति स्वच्छता अभियान से लोगों को जागरूक किया। इस अवसर पर राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम अधिकारी डॉ. प्रमोद त्रिपाठी डॉ. सुनील कुमार सहित स्वयंसेवक मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए महाविद्यालय के प्रचार डॉ. संतोष कुमार त्रिपाठी ने कहा कि ज्यादा बिगड़ चुके हैं कि उनके पास पैसे ना होने के बाद दूसरों को बेवकूफ बना के उनसे पैसे वसूल के उधार लेके बीमारी जो हो रही है जो पैदा हो रही है उन सब का कारण एक गंदगी प्रदूषण और कूड़ा करकट जो हम बाहर फेंक देते हैं एक तरह जमा करते हैं वहाँ से मलेरिया इत्यादि रोग उत्पन्न होते हैं। और मैं स्वच्छता हूँ मुझे अपनाइए, अगर आप लोग मुझे अपनाएंगे तो यहाँ पे होने वाले तमाम बीमारियों का जो जड़ है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। तब देखा अरे स्वच्छ हो जाए गली गली हो ए भैया। महिलाएं बैठी हुई हैं वहाँ तक बात पहुँचे। हमारे देश में बेटियों को माँ दुर्गा माँ लक्ष्मी माँ सरस्वती के रूप में पूजा जाता है, तो आइए उन्हीं बेटियों के सम्मान में एक नाटक देखते हैं जिसका शीर्षक है बेटी बचाओ। क्या इस बार फिर से मुझे पोती हुई है? क्या ये बड़ी होकर मेरे खानदान का नाम रोशन कर पाएगी? क्या ये बड़ी होकर मेरे कुल को आगे बढ़ा पाएगी? नहीं ना, ये ले लड्डू और ठूस दे इसे मुंह में और जा मार दे इसे। नहीं माँ, इसकी आंखों की चमक को देखो, मैं इसे नहीं मार सकता। क्या तू इसे नहीं मार सकता? ठीक है ये ले, मैं ही इसे मार देती हूँ। अरे अभी इसकी हाथों में लकीरें तक नहीं आई और तुमने इसका भविष्य तय कर दिया। पहले सुन तो लो ये कहना क्या चाहती है। मत मारो मुझे, जीवन दे दो। अगर मुझे मारोगे तो ये संसार कैसे चलेगा? कैसे चलेगा? कैसे चलेगा? मतलब कि इस दुनिया में माँ तू घुट घुट के रह जाएगी। बेटी ही समझे माँ का दुख, बेटी से करो तुम प्यार। बेटी से करो तुम प्यार, बेटी से करो प्यार। इस वक्त के साथ हमें अपनी सोच भी बदलनी चाहिए क्योंकि बेटों के मुकाबले बेटियों की संख्या घटती जा रही है। इसका जिम्मा हम युवा पीढ़ी को ही उठाना होगा। उठाना होगा भाई, उठाना होगा। नहीं जो बेटियां ना कर पाई, बेटियां तो आसमान से तारे तोड़ लाई है। दुनिया में बेटियों को मिस इंडिया कहा जाता है और इन्हीं बेटियों को जन्म देते ही क्यों मार दिया जाता है? क्या ये इंसाफ है? ये बेटियां तो काबुल की रानियां हैं, मीठी मीठी प्यारी प्यारी ये कहानियां हैं। ये राष्ट्रीय सेवा योजना के विशेष शिविर 4 से 10 जनवरी के अंतर्गत आज शिविर के छठवें दिन अवाप्त ग्राम वार्ड नंबर 51 के तुरहा टोला में प्राचीन शिव मंदिर पर स्वयं सेवक सेविकाओं द्वारा नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। हमारा जो सामाजिक सरोकार है, जो आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर जो पाया गया कि इन्हें शिक्षित करने के लिए नुक्कड़ नाटक की आवश्यकता है, इसी क्रम में नशाखोरी न हो, दहेज बंद हो, कन्या भ्रूण हत्या न हो, पॉलीथीन का प्रयोग न किया जाए, पर्यावरण सुरक्षित हो, इस तरह से तमाम कुरीतियों को लेकर के तमाम कुप्रथाओं को लेकर के और व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए लेकर के हमारे 75 स्वयंसेवक और 75 स्वयंसेविकाओं ने नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया है। आज इस स्थल पर लगभग पाँच नाटक हुए हैं। इसके अतिरिक्त अभी देर शाम तक और विभिन्न स्थलों पर इसी तरह से पूरे मोहल्ले में पूरे अवाप्त ग्राम में नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया जाएगा। संपूर्ण शिविर का जो भी कुछ आउटपुट है रिपोर्ट के रूप में कल समापन समारोह में रखा जाएगा।